हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के बारे में दोस्तों, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और स्टॉक भी बहुत बढ़िया तरीके से पोटेंशियल दिखा रहा है रिटर्न कमाकर देने का। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस स्टॉक को रिटेल इन्वेस्टर इतना ज़्यादा पसंद क्या, यहाँ पर हम कहेंगे खरीद क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे का यहाँ पर एक रीज़न है। देखिए, रिजनेबल प्राइस 160 या 170 रुपए के बीच में स्टॉक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेड कर रहा है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा लोग यहाँ पर इसलिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक सस्ते दाम पर है और देखिए कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी आते हैं। आप मार्केट में ऑब्जर्व कर लेना, आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, जब शेयर छोटे प्राइस पर रहता है उसके पीछे पूरे मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पर आती है कि ज़बरदस्त क्वांटिटी मिलती है। अभी क्वांटिटी का सवाल क्यों आता है, ये एक बात मैं आपको थोड़ा कवर करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास 100 शेयर है और वो 100 रुपये का शेयर है और सभी शेयर है, वो साल में कितना, एक साल में बढ़ बढ़ कर कितना बढ़ेगा, मान लेते हैं कि वो शेयर बढ़ गया 10 रुपये, तो 100 शेयर पर आपको मिलेंगे कितने दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर वही शेयर, अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आपके पास 10,000 शेयर है और सिर्फ वो 1 रुपये बढ़ने दो, कितने रुपये बढ़ गए, 10,000 रुपये बढ़ गए, और वो 10 रुपये यहाँ पर बढ़ गया तो आपके पैसे कितने हो रहे हैं, वो 1,00,000 रुपए हो रहे हैं। तो ऐसी जो यहाँ पर क्वांटिटी के पीछे की जो भी हमें एक यहाँ पर हम कहेंगे इंटरेस्टिंग बात ऐसी होती है, अगर आपने एक बात को अंडरस्टैंडिंग किया है तो इंडिया के जितने भी बड़े निवेशक आपने ऑब्जर्व किए हैं वो कभी भी यहाँ पर कम स्टेक खरीदते ही नहीं है। हाँ, पैसे है उनके पास, ये इस बात की कोई बात यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है, बट क्वांटिटीज़ देखिए, क्वांटिटी जितना ज़्यादा होता है उसके ऊपर जैसे स्टॉक परफॉर्म करता है वैसा ही आपका कैपिटल भी बढ़ता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में। इस स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पूछा गया था और मैं आपको अब जो कंपनी के अंदर के इंटरेस्टिंग अपडेट जो आए हैं वो भी बताने वाला हूँ कि कंपनी क्यों परफॉर्मेंस कर दिखाने की क्षमता रखती है और इस स्टॉक से हम उम्मीद कैसे रखें। देखिए, काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो IPO आया था तब निवेश किए हैं और कुछ इंटरेस्ट अभी भी दिखाना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचे या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको इस वीडियो में देखने के बाद पता चली जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का जो शेयर है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें तेज़ी दिखा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर जो हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले वो 12% के हैं। अभी आप यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन देख सकते हैं, 62 रुपये से ये स्टॉक फिर यहाँ पर गिर कर आ गया था यहाँ पर 52 रुपये के करीब, 152 के करीब, और फिर वहाँ से कमबैक तेज़ी से कर दिखाया। और पिछले एक महीने में भी यहाँ पर हम देखें तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के शेयर ने बढ़िया ही हमें परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आता है। अभी क्यों दिखाई देता है पोटेंशियल, क्योंकि देखिए इसका बिजनेस कोई ऐसा नहीं आउटडेटेड बिजनेस है, ये बिजनेस के ऊपर आपका फोकस सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। देखिए, कोई सेक्टर अगर यहाँ पर एक सीजनेबल है या कोई पर्टिकुलर ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पर ग्रोथ में नहीं है, मान लेते हैं टेक्सटाइल कपड़े का बिजनेस है, वो चल रहा है, लोग खरीदते हैं पहनते हैं, बस ये ऐसा नॉर्मल बिजनेस है, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस यूनिक भी है और इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एरोस्पेस, डिफेंस और दूसरे जो यहाँ पर हम जैसे सोलर इंडस्ट्रीज देखें, ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसको क्या नज़रिए से हम देखते हैं, आपको पता है हम ये सेक्टर को देखते हैं कि ग्रोथेबल आने वाला फ्यूचर, तो वो सेक्टर में तो ये कंपनी काम तो ऑलरेडी कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल है। और दोस्तों, ऐसे ही आशीष कचुलिया जी ने करोड़ों का निवेश नहीं किया है, कोई भी निवेशक रहने दो
वो जब निवेश करते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी, क्या दिमाग लगाया जाता है उसके पीछे, उसको भी हम देखकर हमारे लिए भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से पता चले। देखिए दोस्तों, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री इस कंपनी के अंदर कोई भी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट या बड़े अपडेट दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी अपडेट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए अनाउंसमेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है क्या? कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके आगे ही पूरे अपडेट है जिसके अंदर आपको दिखाई देता होगा। तो बड़ा कोई न्यूज़ वगैरह का अनाउंसमेंट कंपनी के अंदर नहीं है। आप दोस्तों जैसे कि ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर लीडिंग क्यों बन रही है, क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बहुत से कम या हम कह सकते हैं ना के बराबर ही कंपनीज हैं जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जैसा काम करते हैं। और ये कंपनी अपने जो वैल्यूबल प्रोडक्ट सर्विसेज है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कोई रीज़न यहाँ पर हम कहेंगे बिजनेस है तो सोलर हाउसेस, गैस हाउसेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रोथेबल सेक्टर से आते हैं, और भी बहुत से गैस या यहाँ पर हम कहेंगे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज, या यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोस्पेस से रिलेटेड फ्यूल जो होता है एयर टू एयर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए भी आपने बहुत बार देखा भी होगा, टीवी वगैरह में आपने ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व की होगी। कंपनी के पास जो यहाँ पर बिजनेस है वो अलग अलग 80 देशों में फैला है। कंपनी के रेवेन्यू के सोर्स अच्छे खासे हैं और ये वेरियस कंट्रीज़ में अपना यहाँ पर ये प्रोडक्ट का सप्लाई करती रहती है। क्लाइंट भी आप देखेंगे दोस्तों तो बढ़िया क्लाइंट है, और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये कंपनी क्या कर रही है, इसरो के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये सभी पर काम चल रहा है बोलकर हमें इस कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर आने वाला फ्यूचर इसके अंदर ब्राइट है, ऐसा कैसे कि हम कह सकते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जैसे कि आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, उससे पता चलता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा पिछला। आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें, उससे पता चलता है कंपनी कैसी है। और आप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के सेल्स के नंबर भी थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, उससे पता चलता है कंपनी पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में सॉरी यहाँ पर कुछ सालों में कैसा परफॉर्म की है। वो आपको उसके फाइनेंशियल और उसके अंदर के कुछ की पॉइंट्स बताते हैं कि वो कंपनी कैसी है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो 34 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है तो 32 का। तो आप समझ रहे हो कि कितना अच्छा इस कंपनी के अंदर जो वैल्यूबल और शानदार जो बेनिफिट वाले पॉइंट्स है वो दिखाई देते हैं। और वैसे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने पिछले 5 सालों से लगातार आपको देखिए नेट प्रॉफिट में 252% की ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट कर दिखाना। और जो ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। गुड परफॉर्मेंस कर दिखाना पिछले 3 सालों से, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत क्षमता और बहुत अच्छे से कंपनी के अंदर यहाँ पर बिजनेस की जो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ रही, तो ही वो कंपनी आगे बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, क्वार्टरली अपडेट यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ये जून के हैं, जून 2023 के। तो कंपनी का कंपेयर करने के लिए बाकी का सेल्स या नेट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। बट आपको एक बात बता सकता हूँ कि कंपनी एक अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल है, लॉस में तो नहीं है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम ईयरली बेसिस पर कंपेयर करें दोस्तों, तो कंपनी का आप यहाँ पर पिछले 2018 से सेल्स देखेंगे 122 करोड़ से, फिर 145, थोड़ा 44 हो गया, फिर 45, और फिर बाद में देखिए रैपिडली इम्प्रूवमेंट कहाँ से आई, जब से डिफेंस सेक्टर या यहाँ पर एरोस्पेस से जुड़े हुए काम होने लगे उसके अंदर। फिर देखिए इसके अंदर जो परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट करने वाला रोल किसने प्ले किया, तो वैसे सेक्टर नहीं, और ये सोलर इंडस्ट्री वगैरह भी 241 करोड़ में सेल चली गई, और फिर बढ़ते ही जा रही है सेल। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो पहले नेट प्रॉफिट कुछ भी यहाँ पर खास नहीं था यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का, बट धीरे धीरे आज 5 करोड़ के नीचे कमाने वाली कंपनी फिर 6, 28 और आज 30 करोड़ के ऊपर कमाई कर रही है। तो ये जो कमाई है वो कोई ऐसे ही नहीं आती है, कंपनी में स्ट्रेंथ है बोलकर ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है।
तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के पास अच्छा है। अभी देखिए दोस्तों, इसका डाटा और बहुत कम है हमारे पास। कोई लोग यहाँ पर निवेश ऑलरेडी कर कर बैठे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। कुछ खरीदना चाहते हैं वो धीरे धीरे जैसे ठीक लगे उनको, उस लेवल पर वो खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि आशीष कचुला जी के पास स्टेक है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि उन्होंने खरीदा है बोलकर मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बड़े निवेशक की सोच और वो बड़े बनने की क्षमता जो रखते हैं उसको हमने सीखना चाहिए, यह हमारा मोटिव रहना चाहिए। उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सिर्फ हमें सीखना चाहिए उनका सिलेक्शन और उनका क्या यहाँ पर IQ लेवल है, क्या थिंकिंग पैटर्न है उनका, उसको हमने स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। ऑलवेज वो हमारे से बहुत बड़े और शानदार निवेशक है तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री में आप यहाँ पर अभी भी स्टॉक देखेंगे जो इसका टॉप है उसके नज़दीक ही चल रहा है। टॉप जो यहाँ पर स्टॉक का है यानी कि 52-week हाई की बात करें तो 196 रुपीज़ का है। तो इस स्टॉक के अंदर हम अभी भी उम्मीद करते दोस्तों कि और अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले। जल्दी ये स्टॉक और अच्छे परफॉर्मेंस में आपको दिखाई देगा। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना काफ़ी अच्छा रह सकता है। थैंक यू सो मच।